अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर जहांज़ेब खान व्लॉग। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके भाई ने काफ़ी देर आज रेस्ट की है। आई एम हेयर टू हैव ब्रेकफास्ट। खैर, इसको ब्रेकफास्ट तो नहीं कहेंगे क्योंकि 3-4 बज गए हैं। सो आई एम हेयर फॉर लंच। आपको पता है, अगर आपने कहीं भी घूमने जाना है तो खाने पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर मैंने टाइम पे खाना नहीं खाया था तो सर दर्द होने लग गया था। तो यहाँ जो चॉइस है वो हमारे पास दो चीजें हैं। नंबर वन दिस शॉर्मा, और जो दूसरी ऑप्शन है वो है शॉर्मा राइस। पहले खाता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो वो यार दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ आफ्टर 2 ईयर्स। इफ यू आर इन दुबई तो इधर काफी लोग हेल्पिंग है। आपको पाकिस्तानी मिल जाएंगे, इंडियंस मिल जाएंगे, मुख्तलिफ कंट्री के लोग मिल जाएंगे और आपको रिकमेंड कर देंगे इधर क्या अच्छा खाने को मिलता है। दिस इज शॉर्मा राइस एंड यू कैन सी बहुत मज़े का लग रहा है। दिस इज शॉर्मा, इसके नीचे राइस है, ये रहता है और ये टमाटर की चटनी है। सो यू मस्ट ट्राई दिस। तो ये जो शॉर्मा राइस है ये मैं खाता था चाइना में और मुझे वहाँ बहुत मज़े का लगता था। वहाँ एक अरेबिक रेस्टोरेंट था तो ये भी बहुत मज़े का लग रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. जो पिछले 2 दिन से मैं था शारजा को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा था और आज हम शिफ्ट हो रहे हैं जी दुबई। राशन देखते वाकई महसूस होता है टैक्सी क्यों महंगी है। पहले में लगता है 7-8 किलोमीटर है वो इतना महंगा। वाकई काफी राशन है, उधर बहुत ट्रैफिक है, उधर वाल फसू ए बस ऑन टोल पे इतने आगे कोई टेंशन गए नहीं। चलिए अब आपको दिखाते हैं दुबई के खूबसूरत व्यू। So right now we have just arrived Grand City Mall, Alkuz, Dubai का एक area है। और यहाँ क्या है भाई जान? ये है Alkuz का, ठीक है। अच्छा, इस तरफ आप जाओगे Alkuz 2, हाँ जी, इस साइड पे Alkuz 1, अच्छा, इस साइड पे Alkuz 4, ये इस साइड पे Alkuz 3। ये कम्युनिटी है या एरिया वाइज इसको किया गया? बस ये एक किस्म की, ये एक सेंटर पॉइंट रख के ना इस जगह को, तो इस पूरे Alkuz एरिया को डिवाइड कर दिया उन्होंने 4 पोर्शन में डिफरेंट। अच्छा, यहाँ पे मोस्टली इंडियन इंडस्ट्रीज है, लेबर कैंप्स है। हाँ, वो सामने नजर आ रहे हैं, मॉल आपको नजर आ रहा है ये बैक साइड पे। हाँ जी, ये मोस्टली ये बड़े यहाँ पे चीप आइटम्स होते हैं। अच्छा, यहाँ कोई इतने ज्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव मॉल नहीं है ये, लाइक जैसे दुबई मॉल हो गया, एमिरेट्स मॉल हो गया, लेबर कैंपों से हट के फ्लैट्स वहाँ पे। वो यहाँ पे मैं अभी आपको वापसी पे वहाँ पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे हम चाय पीने चलेंगे अभी। चले, उसका नाम है Alkhel गेट। अच्छा, उस साइड ये तो इधर से बुर्ज खलीफा भी साथ ही लग रहा है, वो नजर आ रहा होगा ऊपर। यहाँ से भी काफी दूर है, बहुत दूर है, लेकिन बिल्डिंग बड़ी है ना, इसलिए शायद आप पूरे दुबई में कहीं पे भी खड़े होंगे आपको ऐसे साथ ही है। 10-12 किलोमीटर का फासला भी है, ऐसी है। चलें फिर। अभी जिधर मैं आया हुआ हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या फिर बैग्स वगैरह पड़े हुए, और सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं वहाँ से आया हूँ तो मेरा जो बैग है वो टूट गया है। तो मैंने कहा चलो टाइम से पहले बैग ले लेते हैं बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने बैग ले लिया है, ये हमें गोल्ड का कूपन ही मिला है और इंशाल्लाह ज़रूर निकलेगा इंशाल्लाह। और आपको कॉल आए तो आपने मुझे ज़रूर पाकिस्तान में भेज दिया। जी जी, आप वॉच पीछे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और इसके अलावा कुछ कपड़े पड़े हुए थे, इसके अलावा तो ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नीचे ग्रोसरी का सामान पड़ा हुआ है और हम जीतेंगे 2 kg इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह वी विल विन, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ तकरीबन सारे मजदूर हैं, मजदूर तबका यहाँ है बड़ा। मैं तो पीछे अंधेरे बैठे हुए, गाड़ी तो उम्मीद ना रखूं। खैर, अभी हम दुबई पहुंच गए और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले क्योंकि असल फन अभी शुरू होने लगा है। और हमने दुबई में बहुत इंजॉय किया है, चाहे वो दुबई क्रूज थी, दुबई मॉल था, बुर्ज खलीफा था, डेजर्ट सफारी कह लें, दुबई की लग्जरियस गाड़ियां, चाहे वो फरारी थी, लैम्बोर्गिनी थी और एक्सपोर्ट 2020, JBR बीच का तो अपना ही मजा था। खैर, फन तो अभी शुरू हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।